So today our topic is components of food. So before starting components of food, let's start with the food. What is food? खाना क्या है, भोजन क्या है जो हम लोग रोज खाते हैं, एवरी टाइम, थ्री टाइम्स डे, मोर देन दैट, वट एवर वी आर ईटिंग इज द फूड. सो अकॉर्डिंग टू साइंस, वट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड? फूड, इट इज द ग्रुप ऑफ एडिबल सब्सटेंसेज. एडिबल मीन्स जो भी खाया जा सकता है, एनीथिंग विच इज ईटेबल. सो ग्रुप ऑफ एडिबल सब्सटेंसेज विच प्रोवाइड एनर्जी टू द लिविंग बींग्स एंड रिपेयर द ओल्ड टिश्यूज एंड बिल्ड द न्यू टिश्यूज. तो खाना वो है जो हमें एनर्जी देता है, जो लिविंग बींग्स को एनर्जी देता है और हमारी बॉडी के जो ओल्ड टिश्यूज हैं उन्हें रिपेयर करता है, जो पुराने हो चुके हैं या जो खराब हो गए हैं, जो डैमेज हो गए हैं उनकी रिपेयरिंग करता है और नए टिश्यूज को बिल्डअप करता है. सो सेकेंड डेफिनेशन इज न्यूट्रिएंट. हमें खाने से मिलता क्या है? वी आर टॉकिंग कि हमें खाने से एनर्जी मिलती है, लेकिन हमने सुना होगा कि इसको खाने से ये न्यूट्रिएंट मिलते हैं, इस खाने में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो एक्चुअल में न्यूट्रिएंट होता क्या है? न्यूट्रिएंट, अ सब्सटेंस विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट. तो खाने के अंदर खाने को हम न्यूट्रिएंट के लिए ही खाते हैं. सो न्यूट्रिएंट, इट इज अ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस विच इज एसेंशियल, जो हमारे लिए जरूरी है फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड ग्रोथ, हमारी लाइफ के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए, इज कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट. तो अगर हम छोटे हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम छोटे थे, वन वी वर वन ईयर ओल्ड, तब हम बहुत छोटे से थे, हमारी हाइट भी बहुत छोटी सी थी, हमारे बाल भी बहुत छोटे से थे. जब हम 10 ईयर ओल्ड हो गए तब हमारे बाल भी थोड़े से बड़े हो गए, हमारी ग्रोथ भी हो गई, हमारी बॉडी भी बड़ी हो गई. अगर हम न्यूट्रिएंट नहीं खाते, अगर हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती. आगे हम पढ़ेंगे कि हम ये जो न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं, ये न्यूट्रिएंट्स एक्चुअल में कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट हम अपने फूड में खाते हैं. सो आवर फूड हैज़ फाइव मेजर न्यूट्रिएंट्स, पांच मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो दीज आर द फाइव मेजर न्यूट्रिएंट. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज, इन एडिशन टू दीज फाइव, वाटर एंड रफेज, जो पानी हम पीते हैं और रफेज भी हमारे फूड में होता है, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एज दे बोथ डू नॉट हैव एनी न्यूट्रिएंट वैल्यू. वाटर में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, रफेज में कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, बट दे बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो इसलिए हम इनको न्यूट्रिएंट्स में तो काउंट नहीं करते, बट इनको हम कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड में काउंट करते हैं. सो इफ एनीवन इज आस्किंग यू व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स तो हमारे पाँच ही हैं. But if anyone is asking you what are the components of food, so components of food are seven, these five minerals along with water and roughage. So now we will start studying about these five plus these two all the way. So first we will start about carbohydrates. What are carbohydrates? क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स से? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्यों खाते हैं, कहाँ से मिलता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्टली कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट वो पार्ट है फूड का, वो न्यूट्रिएंट है जो हमें एनर्जी देता है. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम खेलेंगे कैसे, हम पढ़ेंगे कैसे? हमें सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है. अगर हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं ना, तो उस दिन हमें नींद भी नहीं आती, बिकॉज स्लीपिंग ऑल्सो नीड्स एनर्जी. तो हमें हर काम के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से. द मेन कार्बोहाइड्रेट दैट वी ईट इन आवर फूड इज स्टार्च, दैट कम्स फ्रॉम सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस. जो हम गेहूं, जिससे हमारी चपाती बनती है, और राइस, जो हम चावल खाते हैं, उनमें क्या होता है? स्टार्च. और स्टार्च एक्चुअल में हमें क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट. सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते कहाँ से हैं? तो एनिमल सोर्सेज. एनिमल सोर्स मीन्स ऑल द डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी मीन्स जो भी हमें दूध वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमें काउ से, बफेलो से, इन सब से मिलते हैं. तो मिल्क से क्या क्या बन सकता है? मिल्क से हमें बटर मिल सकता है, घी, पनीर, चीज़, दे ऑल आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अदर देन दैट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट सोर्स, तो प्लांट सोर्स कौन से हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? दे आर ग्रेन सच एज राइस, चावल, वीट, गेहूं, सोरगम, पीज, बीन्स, सागो, सागो मीन साबुदाना, शुगर केन, ऑल हैव ईटन शुगर केन, गन्ना, शुगर बीट एंड मैनी अदर थिंग्स. मैनी अदर फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, मेलन्स. तो आई थिंक बनाना एंड मैंगो आर फेवरेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ऑफ ऑल द किड्स.
So from these foods we are getting carbohydrate, and what does carbohydrate give us? It gives us energy. Coming to the second, that is fats. What are fats? Fats also provide energy to our body. Fats bhi hum energy dete hain, lekin fat aur carbohydrate mein there is a major difference. Fat jitna carbohydrate, for example agar maine 1 gram of food खाया जिसके अंदर 1 gram of carbohydrate था, और अगर मैंने 1 gram of fat खाया, 1 gram of fat और 1 gram of carbohydrate, तो जो 1 gram of carbohydrate मुझे energy देगा, fat उससे double time energy देता है, हमेशा, it is almost double. Fat acts as a fuel in our body. फ्यूल मतलब वो हमारी बॉडी को चलाता है. जैसे हमारी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल कौन सा चाहिए होता है? वो यूज डीजल, पेट्रोल, सीएनजी. तो हमारी बॉडी को चलाने के लिए फैट जरूरी होता है. एज दे प्रोवाइड ट्वाइस एज मच एज एनर्जी एज दे प्रोवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जितना कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है फैट, उससे ऑलमोस्ट डबल प्रोवाइड करता है. और बॉडी हैज सम एडवांटेजेस ऑफ फैट डिपॉजिट्स इन स्मॉल क्वांटिटी. अगर हम फैट को स्मॉल क्वांटिटी में खाते हैं, अगर हम नॉर्मल क्वांटिटी में खाते हैं, तो उसके हमें एडवांटेजेस मिलते हैं. वो हमारे लिए एडवांटेजेबल होता है क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो हमारी बॉडी का फ्यूल है. बट टू मच फैट डिपोजिशन, अगर हम बहुत ज़्यादा फैट खाएंगे, हम सारा दिन ही फैटी चीज़ें खाएंगे, ऑयली चीज़ें खाएंगे, तो जब ज़्यादा बॉडी में फैट डिपॉजिट हो जाता है तो इट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. हमें एक ओबेसिटी नाम की प्रॉब्लम हो जाती है. ओबेसिटी में क्या होता है? ओबेसिटी में बॉडी बहुत मोटी हो जाती है एंड द और उन पर्सन को हार्ट अटैक आने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है. सो हमें फैट्स खाने हैं बट कम अमाउंट में खाने हैं, ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाने. सोर्सेज ऑफ फैट्स, हमें फैट्स मिलते कहाँ से हैं? सो सब फर्स्ट एनिमल सोर्सेज, बटर, बटर मीन्स मक्खन, मिल्क, दूध, चीज, एग, मीट, घी, इन सब से हमें फैट मिलता है. प्लांट सोर्सेज, प्लांट्स कहाँ से हमें फैट्स देते हैं? ग्राउंड नट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल. तो ये वो सारे ऑयल हैं जिसमें हमारे घर में हमारी मम्मी सब्जी बनाती है या वेजिटेबल बनती है. कुछ भी कुकिंग करने से पहले उसमें ऑयल डालना पड़ता है, तो वो सारे ऑयल हमें फैट प्रोवाइड करते हैं. तो वी हैव डन 2 पॉइंट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रोटीन्स. प्रोटीन्स, व्हाई डू वी नीड प्रोटीन? प्रोटीन्स आर वेरी वेरी एसेंशियल बिकॉज प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जब हम छोटे थे तब हमारी हाइट बहुत छोटी थी. अब हम बड़े हो गए तो हम चाहते हैं हमारी हाइट और बड़ी हो जाए. वी वॉन्ट ग्रोथ. हमारे हाथ भी बड़े होते हैं, हमारे पैर भी बड़े होते हैं, हमारी पूरी बॉडी भी ग्रो होती है. तो उस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोटीन्स. प्रोटीन्स दे हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज. वो नए नए टिश्यूज हमारे बॉडी के फॉर्म करते हैं. दे ऑल्सो अकाउंट फॉर टफ फाइबरस नेचर ऑफ हेयर एंड नेल्स एंड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स. सो हम जो खाना खाते हैं उसी खाने में अगर प्रोटीन नहीं होंगे, तो उस प्रोटीन तो हमारे जो हेयर्स और नेल्स हैं वो भी अच्छे नहीं होंगे. हमारे हेयर्स और नेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोटीन. दे आर अ पार्ट ऑफ आवर ब्लड एंड हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड का भी एक मेजर कॉम्पोनेंट प्रोटीन से मिलके बना होता है. और ब्लड हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ब्लड नहीं होगा तो वी कैन नॉट स्टे अलाइव. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ब्लड का एक मेजर कॉम्पोनेंट कौन है? प्रोटीन. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू ईट प्रोटीन इन आवर डाइट्स. Children need more protein than adults because of the rapid growth of their body. बच्चों को अपने food में protein ज़्यादा खाना चाहिए as comparative to the elder ones. अगर घर में बड़े लोग नहीं भी खा रहे कोई problem नहीं है, but बच्चों को खाना है क्योंकि बच्चों की body grow करती है. हमारी अभी growing age है. हम growing age में protein खाएंगे तो हम जल्दी से लंबे हो जाएंगे, हम जल्दी से grow करेंगे. तो इसलिए हमें अपने food में प्रोटीन्स का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है. सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या है? अब हम प्रोटीन खाएंगे कहाँ से? प्रोटीन हमें मिलेंगे मिल्क से, फ्रेश फिश से, मीट से, चीज़ एंड एग्स. तो ये तो थे एनिमल सोर्सेज. जो नॉन वेज नहीं खाते, हु आर प्योर वेजिटेरियन, उनके लिए हमारे पास प्लांट सोर्स भी हैं. प्लांट सोर्स कहाँ से मिलते हैं हमें प्रोटीन्स? लेग्यूम्स इंक्लूडिंग पल्सेस मतलब दालें, बीन्स, पीज, सोयाबीन्स, मूंग, ग्राउंड नट. So they all are the sources of proteins from plants.
we have done 3 carbohydrate, fat and protein. Now we will doing vitamins. विटामिन के बारे में हमने सबने सुना है बचपन से. कभी कभी हमें डॉक्टर भी विटामिन्स की टैबलेट्स लिख देते हैं कि आप ये वाला विटामिन लो. आप यूजुअली विटामिन बी दिया जाता है कि आप ये वाला विटामिन लो, आपकी बॉडी में इसकी कमी हो गई है. तो विटामिन्स एक्चुअल में क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी को बहुत छोटे अमाउंट में चाहिए होते हैं. विटामिन्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. विटामिन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं. अलग अलग टाइप के विटामिन्स हैं और सारे विटामिन्स का काम अलग अलग है और ये बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे काम करते हैं, बट वो कलेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. जैसे विटामिन्स हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. हमारी आँखों को, हमारी बोन्स को, टीथ को और हमारे गम्स को हेल्दी रखता है. गम्स होते हैं मसूड़े, टीथ दांत, बोन्स हड्डियाँ, आईज आँखें, इन सबको हेल्दी रखता है. The food items rich in vitamins are called protective food as they protect our body from diseases and keep us healthy. तो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड बोला था, प्रोटीन्स को हमने क्या बोला था, प्रोटीन्स को हमने ग्रोथ फूड बोला था. विटामिन्स को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. अब हम ये बात करेंगे कि कौन से विटामिन कहाँ से मिलते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं. सो विटामिन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट ए बी सी डी ई एंड के. वन बाय वन आई विल टेल यू द फंक्शंस ऑफ ऑल द विटामिन्स एंड देयर सोर्सेस. विटामिन ए, विटामिन ए का फंक्शन क्या है. विटामिन ए इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर आईसाइट. अगर हम अपने खाने में विटामिन ए को खाएंगे तो हमारी आईसाइट अच्छी रहेगी, हमारी स्किन हेल्दी रहेगी और हमारे हेयर्स भी हेल्दी रहेंगे. विटामिन ए का सोर्स क्या है, मिल्क, बटर, कैरेट, फिश, लिवर ऑयल, एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मैंगो एंड पपाया. सो दी ऑल आर सोर्सेज ऑफ विटामिन ए. देन विटामिन बी, विटामिन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स. जब भी हम वीक फील करते हैं ना, हम बहुत वीक फील कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए हमें बहुत वीक फीलिंग हो रही है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं. हम यहाँ कोई भी घर में बड़ा होता है या मम्मी पापा या दादा दादी कोई भी अगर जाता है तो डॉक्टर उनको 100% विटामिन बी के कैप्सूल्स लिख के देता है कि आपके बॉडी में विटामिन बी की कमी है, यू हैव अ वेरी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी. तो एक्चुअल में क्या होता है, विटामिन बी क्या काम करता है, क्योंकि जब वीकनेस आती है तो मसल्स में पेन स्टार्ट होता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना कम कर देता है. तो विटामिन बी खाते ही हमारे बॉडी में हमारी मसल्स अच्छे से काम करती हैं, हमारा हार्ट, हमारी नर्व्स, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगता है और हम फिर से ठीक हो जाते हैं. जो वीकनेस फील होती है वो भी ठीक हो जाती है. अच्छा, ये सोर्सेस क्या होते हैं. अगर हम चाहते हैं कि हम दवाई ना खाएं और हमें अपने खाने से ही विटामिन बी मिल जाए तो हमें क्या खाना है, हमें खाना है मिल्क, एग, मीट, होल ग्रेन, सीरियल्स, पोटैटोज, ईस्ट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स. बचपन से सुनते आए हैं वी हैव टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स बिकॉज दे कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ विटामिन बी. देन विटामिन सी, विटामिन सी इट इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी. विटामिन सी हमारे जो टीथ, दांत, गम्स और जॉइंट्स को, जो हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर भी हमारी दो बोन्स आके मिलती हैं, उनको हेल्दी रखती है विटामिन सी. इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू इन्फेक्शन एंड हेल्प टू फाइट डिजीजेज. और ये तो आप सबने अभी सुना होगा, जब से कोरोना वायरस आया है तो हम लोग रोज़ टीवी में देखते हैं कि हमें विटामिन सी इंटेक करना है, हमें नींबू खाना है, हमें सिट्रस फूड खाने हैं, बिकॉज विटामिन सी हमारी बॉडी को जो इन्फेक्शन से दूर रखता है और हमें डिजीजेज से बचाता है. विटामिन सी हमें मिलता कहाँ से, सिट्रस. सिट्रस होता है खट्टे फूड. सिट्रस फूड सच एज लेमन, लेमन मतलब नींबू, ऑरेंज, आमला, टोमेटो, गुआवा एंड ग्रीन वेजिटेबल्स. सो दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी. नेक्स्ट विटामिन डी, विटामिन डी क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टीथ एंड बोन्स. ये हमारे टीथ के लिए और हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स तो हमें पता है क्या है, सनलाइट. बट सनलाइट के लिए भी, उसके लिए भी हमें खाना भी खाना पड़ता है. सिर्फ सनलाइट में बैठने से विटामिन डी नहीं मिलता, हमें खाना भी खाना पड़ेगा. और वो कौन सा है, मिल्क, फिश, एग, बटर, फिश लिवर ऑयल. सो दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी. देन विटामिन ई, विटामिन ई इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द डैमेज, इट स्लोज द एजिंग प्रोसेस.
हम में से कौन ऐसा है जो जल्दी बूढ़ा होना चाहता है? कोई भी नहीं। हम क्यों चाहेंगे कि हमारी स्किन बहुत जल्दी ख़राब हो जाए और हम बूढ़े दिखने लग जाएं? तो अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो हमें विटामिन ई का इनटेक करना पड़ेगा अपने फूड में। अब विटामिन ई मिलेगा कहाँ से? दवाइयों से नहीं, हमें अपने फूड से लेना है। विटामिन ई विल वी कैन गेट फ्रॉम आलमंड्स। आलमंड्स होते हैं बादाम, पीनट्स, हेजलनट्स, वेजिटेबल ऑयल। देन विटामिन के। विटामिन के इट हेल्प्स आवर बॉडी टू थिकन एंड स्टॉप ब्लीडिंग नॉर्मली। जब कभी कभी हमें चोट लग जाती है, अगर हमें छोटी सी चोट लगी है तो वो थोड़ी देर में अपने आप ही ब्लीडिंग होनी बंद हो जाती है। अगर बड़ी चोट भी लगी है तब भी थोड़ी देर में हम उसके ऊपर डेटॉल लगाते हैं और वो ब्लीडिंग होनी बंद हो जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक बार चोट लगी और वो खून बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है? नो, क्योंकि जो हमारी बॉडी में विटामिन के होता है, विटामिन के ब्लीडिंग को रोकता है। वो उसी टाइम ही ब्लड क्लॉटिंग कर देता है और हमारे ब्लड को उधर ही रोक देता है। तो सोचो विटामिन के कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम विटामिन के बॉडी में नहीं लेंगे, हम खाने में नहीं खाएंगे, तो अगर हमें छोटी सी भी चोट लगेगी तो हमारा ब्लड ब्लीडिंग ही होती रहेगी और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी एंड इट कैन कॉज टू वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। अब विटामिन के हमें मिलेगा कहाँ से? विटामिन के वी कैन गेट फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। सो दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन के। सो दैट वॉज अबाउट द सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ ऑल द विटामिन। नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड ऑफ बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ। जैसे विटामिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी थे ना, वैसे ही मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ये भी बहुत छोटे छोटे काम करते हैं बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। जैसे मेरे पास मैंने चार के एग्जाम्पल दिए हैं, दे आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, आयरन। तो सेम जैसे हमने अभी विटामिन की स्टडी करी, वैसे ही हम अभी मिनरल्स की भी स्टडी करेंगे। सो इन मिनरल्स वी हैव कैल्शियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम और फॉस्फोरस का काम बिल्कुल सेम होता है। दे आर बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ। हमारी जो बोन्स बनती हैं वो भी कैल्शियम की बनती हैं, हमारे जो टीथ बनते हैं वो भी कैल्शियम के बनते हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस इंटेक नहीं करेंगे तो ना ही हमारी बोन्स बनेंगी, ना ही हमारे टीथ बनेंगे और वो जल्दी जल्दी टूटते जाएंगे। तो हमारे सोर्सेज क्या हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस के? मिल्क, चीज़, एग्स, बनानास, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फिर सेकेंड मिनरल इज आयोडीन। आयोडीन इट इज़ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो बच्चे या जो लोग अपने फूड में आयोडीन इंटेक नहीं करते, उन्हें एक बहुत ही मेजर डिजीज़ हो जाती है और उस डिजीज़ का नाम होता है थायराइड। आई होप आप सबने सुना है एक थायराइड नाम की डिजीज़ होती है। जिसने नहीं सुना प्लीज़ गूगल इट कि थायराइड डिजीज़ में क्या होता है। तो जो बच्चे या जो लोग अपने फूड में आयोडीन नहीं खाते, उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर हमें नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि हमें थायराइड डिजीज़ हो, तो हमें क्या क्या खाना है? वी हैव टू ईट सी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट। हमें सी फूड खाना है, फ्रूट और वेजिटेबल्स अच्छे से खाने हैं और आयोडाइज्ड सॉल्ट हमें अपने फूड में अच्छे से नमक डाल के खाना है। लास्ट मिनरल इज आयरन। आयरन इट इज नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल विच कैरीज ऑक्सीजन। अभी हमने बात करी थी कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस ब्लड में एक हीमोग्लोबिन नाम की चीज़ होती है, वही हीमोग्लोबिन आयरन से मिलके बनता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं हुआ ना, तो हमारी जो बॉडी में हमारी बॉडी काम करनी बंद कर देगी, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जानी बंद हो जाएगी। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पकड़ के हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। तो हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना है? आयरन से। अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारा ब्लड ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो अब आयरन के सोर्सेज क्या क्या हैं? स्पिनच, एप्पल्स, एग्स, लिवर, सीरियल, पल्सेस, ग्राउंडनट्स। तो दिस ऑल आर द सोर्सेज ऑफ आयरन। नेक्स्ट कम्स टू वाटर। वाटर, तो पानी तो हम सारा दिन ही पीते हैं, वाटर के बारे में तो हम सबको पता है। वाटर आवर बॉडी रिक्वायर्स अ लार्ज क्वांटिटी दैट इज 5 to 7 लीटर ऑफ वाटर डेली। हमें डेली ही 5 to 7 लीटर पानी पीना चाहिए।
वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू परफॉर्म मेनी फंक्शंस. अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. तो पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि बॉडी में वाटर करता क्या है. इट हेल्प्स फॉर द डाइजेशन, थ्रूइंग आउट डिजॉल्व वेस्ट एज यूरिन एंड इम्प्योर ब्लड. तो हमारी बॉडी में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालता है. हमारी बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकालता है. वाटर ऑल्सो कीप्स आवर बॉडी कूल थ्रू स्वेटिंग एंड वाटर हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन. हमारी बॉडी को ठंडा रखता है. जब हम गर्मी में होते हैं तो हमारी हमको पसीने आने लग जाते हैं. तो वो पसीने भी क्या होते हैं, अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हमको पसीना नहीं आएगा. पसीना नहीं आएगा तो हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा. स्वेट भी एक टाइप का वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है. और स्वेट से हमें कूलिंग भी फील होती है. जब हमें स्वेटिंग होती है उसके बाद जब हम फैन में आके बैठते हैं तो हमें बहुत कूलिंग फील होती है और हल्का ठंडा ठंडा फील होता है. तो वो भी वाटर की वजह से ही होता है. वाटर हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन. वाटर में हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको सर्कुलेट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज रफेज, लास्ट कॉम्पोनेंट ऑफ फूड. इन रफेज, रफेज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम इतना सारा खाना खा रहे हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट भी खाया, फैट भी खाया, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, हमने इतना सारा खाना खाया. तो इन सारे खाने में से वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो निकलेंगे. जब हम बॉडी में खाएंगे तो हमारा जो स्टमक है और जो लिवर है जब वो काम करेगा, तो इतना सारा हमने खाना खा लिया, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम कौन करेगा? वो काम करेगा रफेज. तो रफेज इट हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. ये हमें कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देगा. और अभी हमारे सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज हैं फ्रूट, वेजिटेबल, होल मील फ्लोर सच एज चपाती, ब्रेड. तो हमारी चपाती में, हमारी रोटी में, ब्रेड में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, इन सब में रफेज होता है. आफ्टर दैट वी विल गो टू व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट. अब ये बैलेंस डाइट क्या है? डाइट तो हमने सुना है कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं अच्छे से डाइट लिया करो, बड़े लोग भी बोलते हैं डाइट अच्छे से लिया करो. तो ये डाइट होती क्या है? डाइट मींस व्हाट, डाइट होता है खाना खाना. बट बैलेंस डाइट होती है अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर कंपोनेंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस. बिकॉज हमारी मर्जी नहीं चलेगी कि हम कभी कभी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लें, कभी ज्यादा फैट खा लें, कभी ज्यादा प्रोटीन खा लें. नो, हर किसी को एक प्रॉपर अमाउंट में ही हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है. जब हम छोटे होते हैं, जब हम 10 इयर्स ओल्ड हैं, 12 इयर्स ओल्ड हैं, 15 इयर्स ओल्ड हैं, तब हमारी बॉडी को प्रोटीन ज्यादा चाहिए, हमारी बॉडी को फैट भी ज्यादा चाहिए, हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स भी ज्यादा चाहिए. बट जब हम बड़े हो गए, जब 60 इयर्स ओल्ड हो गए, तब हमारी बॉडी को प्रोटीन्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए. हमारी बॉडी को सिर्फ एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए. तो डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड रिक्वायरमेंट. और हो सकता है कोई एक एथलीट हो जो भागता हो, जो खेलता हो बहुत ज़्यादा, तो उसकी फूड रिक्वायरमेंट अलग होंगी, हमारी फूड रिक्वायरमेंट अलग होती हैं. तो हर पर्सन की डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट उनको कितना चाहिए, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट. अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स सारे इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेना है, इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं, प्रॉपर प्रोपोर्शन में. जरूरी नहीं है मुझे सब कुछ इक्वल 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 लेना है, 25 ग्राम या 25 ग्राम या 25 ग्राम या 25 ग्राम या. नो, हो सकता है प्रोटीन ज्यादा लेना हो, कार्बोहाइड्रेट कम लेना हो, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना हो, प्रोटीन कम लेना हो. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एज एंड मेनी अदर फैक्टर्स. सो बैलेंस डाइट ऑफ अ चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ ग्रोन अप मैन. सो दीज, यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा, हमने 7 कॉम्पोनेंट्स पढ़े, बैलेंस डाइट पढ़ी. अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस. ये क्या होती हैं? डेफिशिएंसी, अगर हम डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढे डेफिशिएंसी का, डेफिशिएंसी मींस कमी, जब किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है. तो डेफिशिएंसी डिजीजेस भी वही है, जब हमारी बॉडी में किसी भी कंपोनेंट की कमी हो जाएगी, किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, तो हमें डिजीजेस हो जाएंगी. एंड दोज डिजीजेस आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस. So diseases that are caused due to the lack of nutrients in the diet are called deficiency diseases. Deficiency diseases cannot be transmitted from one person to another. ये circulate नहीं होती. हो for example, अगर मुझे कोई disease हो गई किसी भी deficiency से, तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में अगर मैं किसी के साथ खाना खा रही हूँ या पानी पी रही हूँ या handshake कर रही हूँ तो वो disease नहीं फैलेगी, वो infection नहीं फैलता, वो transmit नहीं होती. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस, सम डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज्ड बाय वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड. तो
तो अब डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, पुअर एंड और लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, बहुत कम दिखेगा अंधेरे में, बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। और अगर हमने विटामिन ए बहुत ही कम कर दिया अपने खाने में तो हो सकता है हमें बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाए। नेक्स्ट विटामिन बी, विटामिन बी से डिफिशियंसी होती है बेरी बेरी डिजीज का नाम है। अब बेरी बेरी में होता क्या है, बेरी बेरी में हमारी जो मसल्स होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं और बहुत कम एनर्जी होती है हमारी बॉडी में। हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत वीकनेस हो रही है, हम कोई काम नहीं कर पाते, तो हमारी बॉडी में विटामिन बी की डिफिशियंसी हो जाती है। विटामिन सी, विटामिन सी इज की डिफिशियंसी डिजीज है स्कर्वी। स्कर्वी में हमारे ब्लीडिंग गम्स होते हैं, हमारे गम्स हमारे टीथ में से हमारे मुंह में से ब्लीडिंग ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी जब हम छोटे होते हैं या आप लोगों के अभी एज में जब आप ब्रश करते हो तो कभी कभी ब्रश करते हुए जब आपके गम्स में से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्यों होता है, जब हम अपने फूड में विटामिन सी कम खाते हैं तो विटामिन सी से स्कर्वी होता है और स्कर्वी से ब्लीडिंग गम्स होते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन डी, विटामिन डी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स इट द बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। बोन्स हमारी हार्ड होनी चाहिए, इतनी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए कि हल्का सा ही किसी ने मारा और फ्रैक्चर हो गया। तो अगर हम अपनी बॉडी में विटामिन डी कम खाएंगे तो हमारी बोन्स इतनी सॉफ्ट हो जाएंगी कि हमारा नॉर्मल अगर हल्का सा भी हमें टच कर दिया, हल्का सा मार भी दिया, अगर हल्का सा हिट हो गया तो बॉडी में क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे उसमें, वो इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। देन कम्स टू द कैल्शियम, कैल्शियम अगर हम कम खाएंगे तो उसमें हमें होता है हाइपोकैल्सीमा, कैल्सीमिया। इसमें भी यही होता है, हमारी बॉडी बोन्स वीक होती है और हमारा टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। टूथ डिके में क्या होता है, हमारे जो दांत है वो टूटने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में टूटने स्टार्ट हो जाते हैं अगर हमने कैल्शियम कम खाया है। बिकॉज अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम के फंक्शंस में कि कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, तो अगर कैल्शियम कम खाएंगे तो ना ही बोन्स ग्रो होंगी और ना ही टीथ ग्रो होंगे। देन आयोडीन, आयोडीन अगर हम बॉडी में नहीं खा रहे तो आयोडीन से अभी हमने पढ़ा था कि हमें थायराइड भी हो जाता है और दूसरा है हमारा गोइटर भी हो जाता है। गोइटर में क्या होता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। अगर बच्चों को गोइटर हो गया तो उनको मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, उनको माइंड में प्रॉब्लम हो जाती है और उनके गले में जहाँ गर्दन है, गर्दन में वहाँ पे स्वेलन स्वेलन सी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे उनकी गर्दन फूल गई है, वहाँ पे बहुत ही सूजन सी आ गई है गोइटर में, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही डेंजरस होती है, तो इसलिए हमें आयोडीन अच्छे अमाउंट में लेना चाहिए। देन कम्स टू द आयरन, आयरन की डिफिशियंसी डिजीज है अनीमिया। अभी हमने आयरन का फंक्शन पढ़ा था कि आयरन से हमें हीमोग्लोबिन बनता है और वो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ब्लड में होता है, तो अगर हम आयरन नहीं लेंगे तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो उसको बोलते हैं कि अनीमिया हो गया। और अनीमिया में क्या होता है, हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। क्यों वीकनेस आ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। लास्ट सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हम दोनों ही नहीं ले रहे तो हमारी बॉडी में एक मेरेस्मस नाम की डिजीज़ हो जाती है और ये यूजुअली छोटे बच्चों को होती है अप टू 15 ईयर्स ऑफ एज। मेरेस्मस में क्या होता है, चाइल्ड बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, बहुत ही पतला, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, ग्रोथ स्टॉप्स, उसकी बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, वेट बिकम्स वेरी लो फॉर हिज एज, और उसका जो वेट है वो इतना कम होता है कि बाकी बच्चों का जो वेट है, फॉर एग्जाम्पल एवरेज अगर वेट बाकी बच्चों का क्लास में 30 kg है तो उसका 15 kg भी नहीं होगा, 20 kg भी नहीं होगा, बहुत कम वेट रहेगा बाकी बच्चों के कंपेरेटिव। तो उस प्रॉब्लम को बोलते हैं कि मेरेस्मस हो जाती है। तो हाउ नाउ वी कैन सी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर बॉडी में सिर्फ प्रोटीन की कमी हुई है, सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी डिजीज़ को बोलते हैं क्वाशीकोर। क्वाशीकोर में क्या होता है, हेयर चेंजेस कलर एंड बिकम्स रेड, बालों का कलर चेंज हो जाता है और वो रेड हो जाते हैं, स्किन में क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और स्टमक स्वोलन, ऐसा लगता है पेट में सूजन आ गई, पेट बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, स्किन में क्रैक्स होते हैं और हेयर अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर देता है। सो हेयर आई एम एंडिंग द टॉपिक, सो दैट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर 2 कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। प्लीज अगेन गो थ्रू दिस वीडियो एंड इन द
कमेंट सेक्शन, आई विल गिव माई ई मेल आई डी, इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेल इट टू मी ऑन द गिवन आई डी. थैंक यू सो मच. आई होप आई एम एबल टू क्लियर एवरीथिंग. थैंक यू. हैव अ गुड डे.